फतेहाबाद विधानसभा में 4 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के पक्ष में सती यशोदा देवी मंदिर पर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के तहत काम करने वाली है। हमारी सरकार ने सीधा पैसा आपके खाते तक पहुंचाया, बीच के बिचौलियों दलालों का भारतीय जनता पार्टी ने काम खत्म कर दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आप वोट मुझे दे रहे हैं ना कि छोटेलाल वर्मा को, इससे मेरी जीत होगी, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि भारी बहुमत के साथ मतदान के दिन कमल के खाते में फुल से फुल जमा करने का काम करें। कुशवा समाज के मतदाताओं को साधने में बड़ी भूमिका देखी नजर आई। डिप्टी सीएम ने बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, यह सब एक ही दल हैं जो सीधे भूमाफिया गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब की बार सरकार बनते ही विकास की गंगा बहेगी, बचा हुआ गुंडा राज भी खत्म होगा। कार्यक्रम में फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चार, फतेहाबाद विधानसभा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, जिला मंत्री बबीता चौहान, नगर अध्यक्ष नितिन पंछी, मंडल अध्यक्ष धीमश्री अनिल शर्मा, मंडल अध्यक्ष फतेहाबाद देहात मयंक जाधव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में छोटेलाल वर्मा जी को अपना आशीर्वाद देकर के भेजने का काम करें। मंच पर हमारे जो जिले के अध्यक्ष छोटे भाई श्री गिरिराज कुशवाहा जी, आप सब परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे लोकप्रिय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी, मंच पर पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हमारे आगरा के वरिष्ठ नेता श्री शिवशंकर शर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री राकेश कुशवाहा जी, मंच पर अलग अलग दायित्व है, मैं नाम ले रहा हूं, दायित्व का भी नाम लूंगा, समय लगेगा ऐसे, हमारे सम्मानित शिव कुमार जी, श्री अमर सिंह गुर्जर जी, श्री बजरंगी जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्री ठाकुर हरेंद्र कुमार जी, श्री अवधेश कुमार गुप्ता जी, श्री हीरा सिंह जी, श्रीमती बबीता चौहान जी, श्री सोनू रघुवंशी जी, श्री संदीप गुप्ता जी, श्री नितिन गुप्ता जी, श्री मयंक जाधव जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री दिलीप जैन जी, श्रीमान प्रदीप भाटी जी और गुटियारी लाल जी, और एससी एसटी आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राम बाबू हरीश जी, मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मुझसे जो भी उम्र में बड़े हैं, मैं उन सबका चरण छू करके प्रणाम करता हूं और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि आने वाली 10 फरवरी को रिकॉर्ड वोटों से, जैसे आपने मेरा शीश ना 2017 में झुकने दिया और ना मेरा शीश 2019 में झुकने दिया, और मुझे वैसा ही विश्वास है कि मेरा शीश 2022 में भी आप झुकने नहीं दोगे। मैं मान के जाऊंगा, जोश से भरे हुए हूं, तो 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आप सब जानते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं थी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने, गांव का विकास हो, विकास हो, गरीब का विकास हो, किसान का विकास हो, नौजवान को रोजगार हो, माता बहनों की सुरक्षा और सम्मान हो, और उत्तर प्रदेश को एक उच्च स्थान पर, यह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें अभूतपूर्व क्षमता है, अभूतपूर्व क्षमता का यह उत्तर प्रदेश
सपा बसपा के जाल में फंस गया था 15 साल, उस जाल से बाहर निकालने के लिए ही आपने आशीर्वाद दिया और 2014 में दोनों सांसद हमें जिता करके दिए थे। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में सभी 9 विधानसभा सीटों में कवर किया करके आपने बता दिया कि आगरा जनपद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में कमल खिलाने वाला नहीं, एक ऐसा किला है कि सपा बसपा कांग्रेस अगर सबके सब मिल जाए तो इस किले में सेन नहीं लगा सकते कोई। मैं आप सबसे आज यहां पर यही कहने आया, जैसे 2014 से लेकर के 2019 तक विजय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जारी रही, उसमें सबसे शानदार योगदान आगरा जनपद का रहा है, जिसने 100% दिया, 100% 9 की 9 सीटें। तो मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और हमने भी जो वादा किया था कि अगर आप कमल खिलाएंगे तो हम आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को कमल के फूल की तरह खिलाने का कोई कसर बाकी नहीं रखते। और आपने लगातार देखा होगा विकास की गंगा जी और यमुना जी साफ आपकी आंखों के सामने बह रहे। हमने जहां सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश को अराजकता से बाहर निकालने का काम किया, गुंडों अपराधियों माफियाओं दंगाइयों को भ्रष्टाचारियों को जिस भाषा में समझते थे उस भाषा में समझा करके उनको सही रास्ते में लाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई किया, वही विकास के मामले में भी अगर मैं आपसे ही पूछूं, 2000 कई बार भूल जाते हैं हम लोग, 2017 से पहले आप बताइए बिजली कितने घंटे आती थी, बोले कि याद है 8 घंटा। और आप 2017 से पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये क्या है? ये सुशासन का प्रतीक कमल का फूल है जिसके कारण पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है। मैं भी जानता हूं 2017 से पहले अगर गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल जाता था तो कितने महीने आपको चक्कर लगाना पड़ता था, बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता था क्या? आज क्या स्थिति है? सपा और बसपा और ये जो गठबंधन था कांग्रेस और भाजपा, इनमें फर्क साफ है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाते हैं तो गरीब का घर भी, गरीब की कॉलोनी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना दी जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? अब जिन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार किया, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, वो ये नहीं समझ सकते हैं कि गरीब आदमी को जब एक कॉलोनी बन करके मिल जाती है, आवास घर बन करके मिल जाता है, तो उसका जीवन कितना खुशियों से भर जाता है। और हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, चाहे उसे कॉलोनी कहिए, चाहे घर कहिए, चाहे आवास कहिए, 43 लाख लोगों को बना करके देने का काम किया है। हमारी सरकार ने 18 घंटे से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। पहले उत्तर प्रदेश अगर गड्ढा युक्त सड़कें मिल जाए तो मान लेते थे कि लोग यूपी है, लेकिन अकेले 5 साल में लगभग 15,000 अपराधियों का, दंगाइयों का सरदार कहता हूं, अब मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यार ऐसे लोगों से बाहर निकल ही नहीं सकते। वो सपने देख रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश की 400 सीटें जीतेंगे। सुना था गलत बात आप लोगों ने? आगे आगे मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता।
आप बताइए समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरे आगरा जनपद की 9 सीटों में से क्या एक भी सीट जीत रहा है क्या? दो भाई एक भी सीट जीत रहे हैं क्या यहाँ पर? जब यहाँ एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं तो 400 सीट कैसे जीत सकते हैं? जो हाल आगरा का है वो पूरे यूपी का है। इसलिए मैं आज इस मंच से सती माता के मंदिर में कह करके जा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और इस बात में एक नारा लगाता हूं पूरे प्रदेश में कि हमने अगर सबका साथ किया है, सबका विकास किया है, सबकी सेवा की है ईमानदारी से, तो हमारा नारा है 100 में 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं बताइए। हमने अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न, सड़क, बिजली, पानी, अनेक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया है तो वो अपने घर से जब वोट डालने के लिए जाएगा 60% तो हमें मिलेगा बिना भेदभाव के, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन 40% जब वह भी जाएगा मतदान केंद्र पर तो वह क्या समझेगा? जब वह जाएगा सोचेगा कि नहीं, मैं झोपड़ी में रहता तो मुझे पक्का मकान कैसे मिला? मुझे लगातार कोरोना के संक्रमण के बीच जब मैं रोज कमा खा नहीं सकता था तो मुझे राशन कौन उपलब्ध कराया निःशुल्क? सोचेगा कि नहीं? कोई सोचेगा। इसलिए मैं कहता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। तो आप सबसे अपील अनेक योजनाएं हैं, मैं वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी, अभी एक और सभा का सभा में जाना है। मैं आप सबसे आज यहां पर यही कहने आया हूं कि 2017-19 की तरह 2022 की जिम्मेदारी भी मैं आपको दे करके जाना चाहता हूं। और श्री छोटे लाल वर्मा जी को यहां प्रत्याशी मत समझना, मैं पिछली बार भी कहा था यहां प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को समझना, यह आपसे मैं निवेदन करके जा रहा हूं। एक भी और पटना और बटना नहीं चाहिए, एक भी और इधर उधर जाना नहीं चाहिए। मैं आशीर्वाद मांगता हूं तो वह आशीर्वाद सफल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम आगरा सभी 9 और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव डाकुओं का सरगना है। मैं डाकुओं का सरगना नहीं कहा, पूरे जितने भी प्रकार के अपराधी होते हैं उनके सरगना है।